तीन प्रकार के संदर्भ थे हमारे कोर्स में जो भी पढ़ते, समांतरपित संदर्भ, कूलिंग संदर्भ और बेलनाकार संदर्भ। अब हमको संदर्भों का संयोजन पढ़ना है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर्स हमको पढ़ना। इसमें पहला हम पढ़ेंगे संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर्स। यह चित्र बनाया है, चित्र में तीन समांतर प्लेट संधारित्र लिए हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, और संधारित्र में जो पहला संधारित्र है जिसकी धारिता C1 है, दूसरे की धारिता C2, तीसरे की धारिता C3 है, और अंतिम संधारित्र की अंतिम प्लेट को पृथक्कृत कर दिया है, बाहरी सतह को पृथक्कृत कर दिया है, और विशेष बात है पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से शून्य धारिता के तार माने बिल्कुल स्वचालक तार से जोड़ दिया। इसी प्रकार दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से सुचालक अर्थात शून्य धारिता के तार से संयोजित किया है, जोड़ा गया है। इसी प्रकार और संधारित्र तो ऐसे करते चले जाएंगे, लेकिन अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट की बाहरी सतह को प्रतिकृत करेंगे। अब माने कि पहला संधारित्र जिसकी धारिता C1 है, इसे चालन की विधि से क्यों आवेश दिया गया? सबसे पहला संधारित्र है, इसकी जो पहली प्लेट है इसको चालन की विधि से क्यों आवेश दिया गया? तो स्पष्ट बात है कि इस संधारित्र की दूसरी जो प्लेट है इसकी भीतरी सतह पर प्रेरण की विधि से ऋण क्यों आवेश आएगा और बाहरी सतह पर धन क्यों आवेश आता प्रेरण? लेकिन पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट की बाहरी सतह को हमने दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से संयोजित कर दिया शून्य धारिता के तार से, तो दूसरी प्लेट से इलेक्ट्रॉन आएंगे और पहले प्लेट पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट बाहरी सतह पर जितने धन आवेश थे प्रत्येक को ऋण आवेश मिलेगा दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से। यहां से ये ऋण आवेश पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट पर आकर इसकी बाहरी सतह के धन आवेशों का प्रभाव समाप्त कर देंगे। अब इलेक्ट्रॉन तो चले दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, इसलिए दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर उतने इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। अगर उदाहरण के लिए चार इलेक्ट्रॉन यहां पर आए थे तो उतने धनावेश यहां पे आ जाएंगे। यहां आपने देख लिया कि पहले संधारित्र की पहली प्लेट पर जितने धन आवेश थे दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर भी उतने ही धन आवेश उत्पन्न होंगे। अब फिर दूसरे की दूसरी प्लेट पर भीतर की सतह पर ऋण क्यों आवेश आ जाएंगे, बाहर की सतह पर धन क्यों आवेश आएंगे,
लेकिन तीसरे संदर्भ की पहले प्लेट से ऋण आवेश माने इलेक्ट्रॉन आएंगे और दूसरे संदर्भ की दूसरी प्लेट की बाहरी सतह पर जो धन आवेश थे उनको ये इलेक्ट्रॉन आके समाप्त कर देंगे तो यहाँ पर धनावेश समाप्त हो जाएंगे। लेकिन इन धनावेश को समाप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन तीसरे संदर्भ की पहली प्लेट से गए हैं तो तीसरे संदर्भ की पहली प्लेट पर इलेक्ट्रॉनों की फिर कमी हो गई मन यहाँ पर धनावेश आ गए और बाहरी सतह पर दूसरे तीसरे संदर्भ की दूसरी प्लेट की अंदर की सतह पर ऋण क्यों आवेश आएंगे बाहर धन क्यों आवेश आते जिसे हमने प्रक्षिप्त कर दिया है। तो अंतिम संदर्भ की दूसरी प्लेट की बाहरी सतह पर कोई आवेश नहीं है। इस हमने विशेष बात हमने देखी कि इनकी धारिताएं जो संदर्भ तो भिन्न भिन्न है लेकिन आवेश भिन्न भिन्न नहीं। जितना आवेश पहले संदर्भ पर दूसरे पर भी उतने ही तीसरे पर भी उतने ही आवेश। तो श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्व की धारिता भले भिन्न भिन्न हो लेकिन प्रत्येक संधारित्व पर आवेश उतना ही रहता बराबर आवेश रहता है। अब पहले संधारित्व की पहली प्लेट का विभव मान लो V1 है और दूसरी प्लेट का विभव V2 है। तो पहले संधारित्व की दूसरी प्लेट और दूसरे संधारित्व की पहली प्लेट स्वचालक तार से जुड़ी है इसलिए इनके विभव समान हो जाएंगे। तो पहले संदर्भ की दूसरी प्लेट का विभव V2 है तो दूसरे संदर्भ की पहली प्लेट का विभव भी V2। अब दूसरे संदर्भ की दूसरी प्लेट का विभव मान लो V3 है तो तीसरे संदर्भ की पहली प्लेट का विभव भी V3 होगा क्योंकि इन दोनों को भी हमने तार से चालक तार से जोड़ दिया है। और अंतिम संधारित्र की अंतिम प्लेट के विभव मान लो V4 है। तो हमने देखा कि आवेश समान रहेगा धारिताएं संधारित्रों की भिन्न भिन्न है और विभव के बारे में भी हमने पर्याप्त चर्चा कर ली है। लेकिन हमको ज्ञात है Q = CV वाले सूत्र से विभवांतर V = Q/C होता है आवेश बटे धारिता। इसका उपयोग करेंगे इसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो पहला जो संधारित्र है प्रथम संधारित्र की प्लेटों का विभवांतर V1 - V2 = Q/C1 V के स्थान पर V1 - V2 लिखा है आवेश सब पर Q है और पहले की धारिता C1 है इसलिए V1 - V2 = Q/C1। यहाँ पर देख रहे हैं जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे विभव कम होता चला जाता है। V1 का मान V2 से ज्यादा है V2 का मान V3 से ज्यादा है और V3 का मान V4 से ज्यादा है। हम देखें द्वितीय संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर ये रहा द्वितीय संधारित्र। इसकी एक प्लेट V2 विभव पर है जो उच्च विभव है दूसरी V3 विभव पर है। V3 विभव V2 की तुलना में कम है तो विभवांतर लिखेगा अपन V2 - V3 = और आवेश बटे धारिता आवेश यहाँ पर क्यों ही रहेगा तो आवेश को क्यों लिखेंगे लेकिन दूसरे संदर्भ की धारिता तो C2 है इसलिए हम लिखेंगे V2 - V3 = Q/C2। ये दूसरा हम तीसरे संदर्भ की बात करें तीसरे संदर्भ की पहली प्लेट का विभव V3 है दूसरी प्लेट का विभव V4 है और V3 का मान V4 से अधिक है इसलिए तीसरे संदर्भ की प्लेटों के मध्य जो विभवांतर हुआ V3 - V4
ये बराबर क्यों होते सी थ्री लेते हैं हम, क्योंकि सी थ्री इस संधारित्र की धारिता है। अगर और भी संधारित्र होते श्रेणी क्रम में जुड़े हुए तो उनके लिए भी इसी प्रकार से और समीकरण लिख सकते थे। अब इन सब समीकरणों को जोड़ दे हम पहला दूसरा तीसरा, और होते तो उन्हें भी जोड़ देते, तो जोड़ने पर आएगा माइनस वी टू प्लस वी टू कैंसिल, माइनस वी थ्री कैंसिल, शेष बचेगा वी वन माइनस वी फोर। तो बाएं पक्ष में बाएं पक्ष जोड़ेंगे तो दाहिने पक्ष में दाहिना पक्ष भी जोड़ना पड़ेगा, तो आ जाएगा वी वन माइनस वी फोर बराबर क्यू बटे सी वन प्लस क्यू बटे सी टू प्लस क्यू बटे सी थ्री। ये वी वन माइनस वी फोर पर विचार करें, वी वन के संयोजन की सबसे पहले संधारित्र के पहले प्लेट का विभव है और वी फोर अंतिम संधारित्र की अंतिम प्लेट का विभव है। वी वन माइनस वी फोर ये पूरी व्यवस्था का तुल्य विभवांतर आ जाएगा, जिसे हम वी से व्यक्त अगर करें तो वी वन माइनस वी फोर को वी से व्यक्त करने पर आ जाएगा वी बराबर क्यू कॉमन निकाले देते हैं तो ब्रैकेट में लिखेंगे अपन वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री, और संधारित्र रहे होते तो आगे हम इसी प्रकार का लिख सकते। अब पूरी व्यवस्था का हमने माना कि तुल्य विभवांतर भी है वी वन माइनस वी फोर बराबर भी, और पूरी व्यवस्था की तुल्य धारिता मान लो सी है। अगर तुल्य धारिता सी है तो हम लिख सकते हैं वी बराबर क्यू बटे सी, जहां पर हमने वी लिखा है वहां पर क्यू बटे सी लिख देंगे तो संबंध आएगा क्यू बटे सी बराबर क्यू और ब्रैकेट में वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री। क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा तो शेष बचेगा वन अपॉन सी इक्वल्स वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री, और संधारित्र होते तो ऐसे पर आगे आ जाते। इसको हल करेंगे हम तो सी का मान ज्ञात हो जाएगा कि मन इस व्यवस्था की तुल्य धारिता का मान ज्ञात हो जाएगा। ये हमने श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा, इसमें विशेष बात श्रेणी क्रम संयोजन के प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान होते हैं, इनकी धारिता भले ही भिन्न भिन्न हो, इनकी प्लेटों के विभवांतर भी भिन्न भिन्न होंगे लेकिन आवेश समान रहेगा। और जिन प्लेटों को हमने चालक तार से जोड़े हैं उनके विभव भी आपस में समान रहे, ये हमने श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ाया।